दोस्त भी नोन हमारी दोस्त है, हमारे दोस्त साथ रहे। हम अपोजिशन में थे, वो हुकूमत में थे, तब भी हम जमहूरी तरीके को इस्तेमाल करते थे, पार्लियामेंट की सावरनिटी को इस्तेमाल करते थे, और हम एक साथ काफी अर्सा रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ी इज्जत भी है, एहतराम भी है। मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि उनके जो 6-7 हुकूमत के अंदर अहम लोग हैं उनको वापस दें, वरना उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम आएगा। अगर इलेक्शन जीत भी गए तो ये इल्ज़ाम आएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, वो हुकूमत में बैठ के धांधली की, और फिर पंचायत की बातें होंगी, फिर कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये फर्ज आयद होता है इस हुकूमत इस इलेक्शन को साफ और शफाफ दिखाने के लिए उनको चाहिए कि वो हुकूमत से बाहर है, वेल नोन उनके लोग हैं। तो ये मेरी उनको गुजारिश है, उनके सीनियर लोगों से भी गुजारिश है कि मुल्क और कौम के खातिर उनको ये कुछ करना चाहिए। शाह साहब, जरदारी साहब काफ़ी अरसे से खामोश नज़र आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी काफ़ी खामोश हैं, कोई सियासी गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। लाहौर में भी जब आए थे सब लोग तो मेल मुलाकातें भी हुई थी, लेकिन सुना है कि ख़ास आपको सियासी तौर पर कामयाबी नहीं मिली, जो सपोर्ट जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे वो भी आपको नहीं मिली, इसमें कितनी हकीकत है और ये खामोशी क्यों है इतनी? देखें देखें मसला बिल्कुल बड़ा क्लियर है, हम सियासी लोग हैं, वक्त होता है तो बात करते हैं और सही बात करते हैं। आज भी फिर जब वक्त शुरू होगा, डिस्कशन शुरू हो जाएंगी, हम अपने अपने ढोल बजा के नहीं बताते कि हमें क्या करना है। हम आपको ये प्रूव करके देंगे कि स्लोली हम चलेंगे और रेस को विन करेंगे। हम ढोल बजा के रेस में नहीं जाना चाहते, हम स्लोली रेस में जाना चाहते हैं और रेस को जीतना चाहते हैं। ठीक है शाह जी, ये बताइएगा फिर आप कैसे रेस जीतेंगे कैसे, क्योंकि आप अभी तो रेस शुरू नहीं हुई लेकिन आपको शिकवे शिकायतें जो है वो शुरू हो गई हैं। अब दूसरा ये बताइए, आपको ये लग रहा था कि इलेक्शंस वक्त पर नहीं होंगे, नवाज शरीफ साहब अब मुल्क वापस आ रहे हैं, बल्कि रवाना हो चुके हैं, सऊदी अरब जाएंगे, उसके बाद यूएई जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान आएंगे, तो आपको लगता है जो इलेक्शंस को इल्तवा में रखने की जो साजिश थी वो अब नाकाम हो गई है, इलेक्शंस होंगे अपने अब वक्त पर ही होंगे जो टाइम आप इलेक्शन कमीशन देगा? देखे इलेक्शन का वक्त जो होना था वो उस पर तो नहीं हुए, जो आइन और कानून कहता उसके तहत नहीं होते। अब जो स्पेस हमें बच गया है बिटवीन पार्लियामेंट का जो पीरियड है वो खत्म हो रहा है और वो और आज उस पीरियड में हम जाएंगे। जहां तक वक्त की बात है वो तो खत्म हो चुका है, हम बड़ा मजबूरी हमें उस वक्त को अवेल करना है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे हमारे आगे वो ब्लैक कॉरिडोर ना आए कि जिसमें इलेक्शन ना हो सके। इलेक्शन अगर करने हैं तो हमारे पास स्पेस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास स्पेस है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी, उसके बाद स्पेस नहीं मिलता, 54 डेज शुरू हो जाते हैं जी। और फिर उसके बाद अगर किए गए लेट किया गया 10 दिन 15 दिन तो वो स्पेस भी नहीं मिलेगा और फिर इलेक्शन को कोई नहीं माने। तो मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बर्फबारी हो रही होती है, तो इसमें तो मुमकिन ही नहीं है उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करना मुमकिन नहीं है, और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही होगी तो लोग किस तरह से वोट डालने के लिए बाहर आएंगे, तो अगर इस टाइम पे भी इलेक्शन नहीं होते? बात यह है कि मौलाना साहब के लिए बड़ा एहतराम है, सद एहतराम है, बहुत अच्छे इंसान है, हंसमुख इंसान है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, बहुत बहुत अच्छे इंसान है। मगर उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि हम दिसंबर में भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, जुलाई अगस्त में भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, रमज़ान में भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, जो बर्फों में रहते हैं उनके लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं होती कि बर्फ़ पे कैसे चला जाता है, वो रहते ही बर्फों में है, उनकी लाइफ भी उधर की है, उनके लिए -2 तो गर्मी है, ठंड नहीं है।
तो वो वहां के लोग हैं, उनका उठना ऐसी बात हो तो फिर तो वो वहां रहे ही नहीं, वो तो फिर गर्म इलाकों में आ जाए। मगर वो सेटल्ड है, उनका काम, उनका उठना, उनका बैठना, उनका खाना, उनका पीना उसी टेम्परेचर के साथ चलता है जिस टेम्परेचर से वो चलते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो शाह साहब, जो 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 आते जो हैं वो अब इलेक्शंस में 4 ही हैं ताखीर हो जाए, और आपको भी पता है और हमें भी पता है, अवाम को भी पता है, तो वो चाह क्या रही हैं, उनको क्या मिलेगा इलेक्शन में ताखीर अगर नहीं हो नहीं जाती तारीख है? अगर अल्तवा में जाते हैं तो वो क्या चाहते हैं? तो टाइम तो नहीं है, लास्ट वीक ऑफ जनवरी के बाद तो शाह साहब ये है जो टाइम, 54 जी 56 डे चाहिए आपको नॉमिनेशन, और उसके बाद ऑब्जेक्शन, उसके बाद अपील, यानी ये प्रोसीजर भी कम से कम 20 दिन का होता है, और 20-25 दिन आपको दिए जाते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए। अगर आपको ये डेट दे के इलेक्शन कैंपेन के लिए 6 दिन दे दे, कौन तक से इनको इलेक्शन को मानेगा? तो ये नहीं हो सकता। पदम अच्छा शाह साहब, ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट जिस जिसके आप भी इत्तेहादी थे, तो इसका बोझ उठाने के लिए कोई जमात तैयार नहीं है, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और वो ये सारा वजन डाल रही है मुस्लिम लीग नून की तरफ। तो आप समझते हैं कि आपसे एक पॉलिटिकल गलती हो गई उस इत्तेहाद में नहीं, शामिल नहीं हो कोई के, बदल नहीं डालते। पॉलिटिकल देखिए कैपिटल बात आपने अपने सुने, दांव पर लगा दिया? कोई कोई गलती नहीं की है, कोई गलती नहीं है। आप सामने बैठे हैं, आप क्यों अवॉइड करते हैं कि मुल्क जो है वो सिंक हो रहा था, इकोनॉमी सिंक हो रही थी, हमारे पास रास्ता नहीं था। उस शख्स को हमने कहा कि आओ बैठ जाते हैं, बैठ के बात करते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे, मुल्क बड़ी तबाही की तरफ जाते। कभी दुनिया में अपोजिशन ने हुकूमत को कहा है कि बैठो? हमेशा हुकूमत कहती है अपोजिशन को कि आके बैठो। मगर हमने कहा, जब उसने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया और हमने देखा कि 105 का डॉलर 185 पे आ गया है, 40 रुपए की चीनी 95 रुपए में चली गई है, 15 रुपए का आटा 45-50 रुपए में हो गया है, हर चीज खत्म होती है, इंपोर्ट करने शुरू हो गए अब हर चीज को, गंदम चीनी हर चीज कॉटन इंपोर्ट करने लगे, डॉलर खत्म हो रहे थे, रिजर्व खत्म हो रहे थे। तो ये जहर का घूंट हमने पिया, और हमने उसी वक्त भी कहा था कि हमने जहर का घूंट पिया है, तो ये हमें बचाता है या मारता है? यकीनन उसका इफेक्ट हुआ है, सब पे हुआ है, हम सब इस कश्ती में सवार थे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर फर्क ये था कि हम कहते थे कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, कुछ कहते थे कि टाइम पूरा कर, जहां पे हमारी गलती हो गई जैसे टेक ओवर किया था वहां इलेक्शन करवा दे इमीडिएटली। मगर हम इसी शक में रहे कि शायद इकोनॉमी को हम कंट्रोल कर जाए, जो नहीं कर सके। अच्छा शाह साहब, ये भी बताइएगा, जैसे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, और वो ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए आ रहे हैं, तो इतने कॉन्फिडेंस की क्या वजह है? आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे? मुस्लिम लीग नून के जो इतना पुरअतमाद नज़र आ रही है, इसकी वजह क्या नज़र आती ये है आपको? देखिए, मैं बच्चा नहीं हूं कि आपके सवाल पे खुल के आ जाऊं सामने, इसलिए वो क्यों है, कैसे है, किस वजह से है वो सब जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो गलत होगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं जनवरी के एंड में इलेक्शंस अगर उससे आगे हुए तो उसे कोई तस्लीम नहीं करेगा, तो अगर जनवरी से भी इलेक्शंस आगे चले जाते हैं बिलफर्ज, तो क्या पीपल्स पार्टी इसका बायकॉट करेगी या इलेक्शन में हिस्सा लेगी और उसके बाद इसको तस्लीम नहीं पीपुल्स करेगी? पार्टी कभी बैकवर्ड नहीं करती, वी नॉट बिलीव बैकवर्ड, सुनिए, वी नॉट बिलीव इन बैकवर्ड। हमने एक मरतबा गलती कर दी थी 85 में, क्यों की थी, कैसे की थी, किसने की थी, ये तारीख का बंद चैप्टर है, इसको खोलने न दें। उस वक्त भी बेनजीर भुट्टो चाहती थी कि इलेक्शन में जाएं, हम नहीं गए, नुकसान उठाया, आज तक उठा रहे हैं, मगर हम बैकआउट नहीं करेंगे। जैसे भी इलेक्शन कराएंगे हम जाएंगे।
शाह साहब, पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है, और पंजाब में कुछ आपने ढूंढा है, किसके साथ आपने इत्तेहाद करना है, पंजाब में इलेक्शन आपके लिए कितना टफ होगा, और आपके पास पंजाब से आपको क्या सपोर्ट मिल रही है? ये बहुत लंबी खेल कहानी है खेल की। ये लंबा खेल होगा, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो अलग खेल होगा, वो वक्त आने पे आपके सामने आएगा। शाह साहब, आखिरी सवाल, वज़ीरे आज़म बिलावल भुट्टो या वज़ीरे आज़म नवाज शरीफ? इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो।